दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ सभी रिलेटिव्स एक जगह आते हैं बहुत सारा एंजॉय करने के लिए। बंगाली का एक सोलफुल इमोशन है ये दुर्गा पूजा। षष्ठी से शुरू होकर दशमी तक एक त्यौहार मनाया जाता है। सभी कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर ये त्यौहार एक साथ मनाते हैं। आइए हम सभी लोग एंजॉय करते हैं ये सोलफुल मोमेंट्स को। Hey guys, welcome back to a new vlog. This is Supriya Chaudhary and बहुत दिन का बाद मैं व्लॉग में आया हूँ क्योंकि आज है महासप्तमी। महासप्तमी का रात हो चुका है एंड मैं अभी हूँ घर में एंड रेडी हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए। मेरे साथ ये भी जाएगा, मेरा भाई फैमिली को लेकर घूमने गया है। पिछले साल तो ऐसे एक व्लॉग से स्टार्टिंग किया था व्लॉग करना, तो इस साल क्या होता है देखता हूँ। गाइस हम लोग का जान आ चुका है यहाँ पे, पूरा घुमा के लेकर आया है फैमिली को एंड अभी हम लोगों के साथ निकलने वाला है। ये देखो ये न्यू शूज़ भी रेडी है उसका। सो दिस इज़ माय न्यू शूज़ फॉर पूजा एंड अभी मैं ये पहनने वाला हूँ। हम लोग का पड़ाव हो चुका है एंड अभी हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे चिकन है, तंदूरी रोटी है एंड वहाँ पे भाई बिरयानी खा रहा है एंड यहाँ पे अभी चल रहा है सेल्फी टाइम। सो सेल्फी लेना हो रहा है एंड यहाँ से खाने के बाद ही हम लोग जाएंगे पूजा में, मतलब मंडप में जाएंगे। लेट्स फिनिश द डिनर एंड अभी हो रहा है रात का 11 बजे। गाइस अभी हम लोग खा चुके हैं रंगामाटी। यहाँ का जो पूजा है वो बहुत फेमस है, तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का दुर्गा माँ का जो मूर्ति होता है बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा होता है। Somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car, and got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm. Come on, dekhi thakur. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड अभी जा रहा है विधान नगर, क्योंकि वहाँ का जो मंडप है वो बहुत बहुत ही सही हुआ है, सुनने को आया है। ठीक है गाइस, हम लोग अभी विधान नगर से बैक कर चुका है क्योंकि विधान नगर में इतना अच्छा मतलब पैंडल नहीं हुआ है, थोड़ा सा जस्ट कैजुअल टाइप हुआ है एंड अभी हम लोग आ चुके हैं दफ्तरपाड़ा में एंड आई थिंक यहाँ का जो पैंडल है वो हम लोग निराश नहीं करेगा एंड अभी बहुत सुंदर से एक स्वागत हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ है। Siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. तो गाइस यहाँ पे फिलहाल कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा जो मंडप हुआ है ना, पूरा दिल खुश कर दिया है। आज है महाअष्टमी एंड मैं और मेरा पलटन लोग, मेरा भाई लोग जाऊंगा अभी अंजलि देने।
सुबह अभी बज रहा है सुबह का 10 हाँ 10:36 हो गया। हमारा जो कलनी है, कलनी का जो दुर्गा पूजा होता है वहाँ पे जाऊँगा एंड माँ का दर्शन करूँगा। एंड कल आने का बाद इतना टायर्ड हो गया ना, मतलब क्या बताऊँ, आके ही लेट गया मैं नींद पे। फिर आज सुबह होके नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ। ये रहा मेरा पंजाबी, तो अंजलि अभी शुरू हो चुका है, माइक में अनाउंस भी हो रहा है बहुत करके। नहीं मालूम यार कुछ प्रोटोकॉल इस बार है या नहीं, पिछले ब्लॉग में तो आप लोग देखे थे बहुत सारा प्रोटोकॉल था, इस बार है या नहीं नहीं पता कुछ भी। फिर भी मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, मास्क पहनने के बाद जाऊँगा। सो चलिए यार, इस साल ये कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि हो चुकी है क्योंकि ढंग को एक लेडी डॉग है एंड इसको अभी पिट्टी पड़ गया, क्योंकि मैं ये ड्रेसअप में जो पंजाबी का ड्रेसअप में आया था पहचानने नहीं पाया, हाँ इसलिए पिट्टी पड़ गया इसको। फिर प्यार भी करा ना तंकू, तो ये अभी बहुत बड़ी हो गई है। से आप लोग पहला वाला ब्लॉग में देखे थे यहाँ पर रहता था, छोटा सा इतना सा था, मेरा हाथ का बराबर था, अभी इतना बड़ा हो चुका है। फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं अंजलि देख के एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा घूमने भी जाएंगे। पहले तो ये मास्क हटाता हूँ क्योंकि घर में इस मास्क को पहनने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा देखो इतना गर्मी, इतना पसीना था ना, क्या बताऊँ, बहुत गर्मी था बहुत। मतलब इस बार उतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था पिछली बार की तरह। गदर मच चुका है गाइस वहाँ पे, बहुत झमेला हो रहा है, क्यों हो रहा है कुछ भी पता नहीं। हम लोग अभी है ओबीजत्री पे एंड यहाँ का मंदिर कैसा हुआ नहीं पता, पिछले साल तो बहुत ही अच्छा हुआ था, इस साल क्या हुआ कुछ भी नहीं मालूम, देखते हैं जाकर। अरे तुम्हारे
पे इस पर थोड़ा सा ओपन थीम करा हुआ है, देखता हूँ शायद बाहर से इस बार भी होगा, देखना पड़ेगा सब कुछ। और आज बहुत भीड़ है गाइस, थीम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है थीम, आज़ाद होना चाहता है मतलब बंद घर से, एक बच्चा खेलना चाहता है, ये देखो वाओ, प्रतिमा भी बहुत अच्छा किया इस बार भी, आप लोग शायद देख सकते हो मैं थोड़ा सा पे मेला लग चुका है एंड अभी मैं जाऊंगा मेला के उस पार। मेरे संदीप छोटा सा बेबी है, छोटा इतना भी छोटा नहीं है एक्चुअली, तो अभी जाऊंगा मंडप में, यहाँ का पेंडल कैसे हुआ है देखता हूँ। ये देखो सामने आप लोग देख ही पा रहे हो, नबनी इवनिंग एंड आज मैं आया हूँ बाबू लाइन। यहाँ पे एक्चुअली सुना हूँ बहुत अच्छा पैंडल किया हुआ है, हाँ देखो गाइस देखो। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे अंदर, देखेंगे प्रतिमा का मूर्ति कैसे हुआ है। वाओ ये क्या रियल डक है, आई थिंक सो। Thank you.
चलिए 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 बहुत टायर्ड हो चुका हूँ एंड ये शायद हम लोग का लास्ट पेंडल ट्रिप है क्योंकि इसके बाद और शरीर भी नहीं दे रहा। आज पूरा शाम से मैं लगा पड़ा हुआ हूँ बाइक चलाने में। यहाँ का जो नेशनल प्लेयर है इंटरनेशनल प्लेयर है उन लोगों का देखता हूँ कैसे वो देखो गाइस देखो बड़ा बड़ा बैनर यहाँ पर है एंड हम लोग भी जाएंगे मंडप के अंदर सभी कुछ जाएंगे। चेस का एक थीम है। मैं अभी मेरा पलटन लोग को खो चुका हूँ। एक तो स्नैपशॉट। अच्छा मेरा पलटन लोग सामने ही है योलो साउथ में। देखिए ऐसी आगे वो जेलर सेरन है यहाँ पर प्राइस ऊपर देखो गाइस पूरा कॉक से और ताश से सजाया गया है। वाओ गाइस आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया क्योंकि आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ इतना देर तक। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट 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 डे। माँ का भाषण एक ऐसा मोमेंट है जहाँ दुख भर आता है हृदय में, साथ ही एक आशा का दीप जल उठता है मन में, लाइफ में ग्रो करने का, सबके साथ दिल से जोड़ने का और इंतजार शुरू हो जाता है अगले साल दुर्गा आगमन का।